हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एडू विला पॉइंट। आज हम करेंगे क्लास थ्री की इंग्लिश की वर्कशीट नंबर 133। और आज की वर्कशीट मैरी गोल्ड बुक से ली गई है। ये यूनिट फाइव द बैलून मैन पोएम से लिया गया है और पेज 43 है। लेकिन इससे पहले हम आज जानते हैं आज के खास दिवस के बारे में। डू यू नो टूडे इज विजय दिवस। क्या तुम जानते हो आज विजय दिवस है। इट इज़ सेलिब्रेटेड ऑन द 16th ऑफ दिसंबर एवरी ईयर इन आवर कंट्री टू सैल्यूट द ब्रेवरी एंड ग्लोर ऑफ आवर सोल्जर द लिब्रेशन ऑफ बांग्लादेश इन 1971। हम लोग प्रत्येक साल 16 दिसंबर को अपने देश के सैनिकों को के बहादुरी और साहस को सलामी देते हैं। इन लिब्रेशन ऑफ बांग्लादेश इन 1971 और 1971 में बांग्लादेश की स्वतंत्रता के कारण 1971 में भारत पाकिस्तान लड़ाई हुई थी, जिसमें कि बांग्लादेश पूर्वी पाकिस्तान था और यह नहीं चाहता था कि हम पाकिस्तान के साथ जुड़ा रहें। यह चाहता था कि हमारी एक अलग कंट्री हो। तो भारतीय सैनिकों की सहायता से बांग्लादेश ने पाकिस्तान से स्वतंत्रता पाई और इसमें भारतीय सैनिक विजयी रहे। तो इस विजय के उपलक्ष्य में हम लोग 16 दिसंबर को प्रत्येक साल विजय दिवस के रूप में मनाते हैं। चलिए अब अपनी वर्कशीट करते हैं और वर्कशीट में देखते हैं आज हमें क्या करना है। गुड मॉर्निंग लवली स्टूडेंट्स, होप यू ऑल आर स्प्रेडिंग हैप्पीनेस विथ योर स्माइल्स। आशा करता हूँ आप सभी अपने मुस्कान के द्वारा अपने खुशियों को फैला रहे होंगे। द फॉलोइंग लाइन इज फ्रॉम द पोएम, रीड इट केयरफुली। कह रहा है पोएम के इस लाइन को सावधानी से पढ़िए। सम आर बिग एंड सम आर स्मॉल। कुछ बड़े हैं और कुछ छोटे हैं। द टू वर्ड्स बिग एंड स्मॉल आर द अपोजिट ऑफ इच अदर। दो शब्द बिग और स्मॉल एक दूसरे के अपोजिट हैं। लुक एट ए फ्यू मोर अपोजिट वर्ड्स एलोंग विथ देयर पिक्चर्स बिलो। आप यहाँ और कुछ अपोजिट वर्ड्स देखिए जो नीचे तस्वीर में दिए गए हैं। जैसे फुल, फुल का अपोजिट होता है एम्प्टी। फुल मतलब भरा हुआ और एम्प्टी मतलब खाली। फास्ट मतलब तेज और स्लो मतलब धीरे। यहाँ ओल्ड मतलब बूढ़ा और यंग मतलब जवान। लाइट मतलब हल्का और डार्क मतलब गाढ़ा। तो इस तरह से हम कुछ और अपोजिट वर्ड्स को देख लिया। अपोजिट वर्ड्स का मतलब होता है उल्टा शब्द, उसके बिल्कुल उलट। तो यहाँ है नेक्स्ट टॉपिक है नाउ लेट्स रीराइट द सेंटेंसेज गिवेन बिलो यूजिंग द अपोजिट ऑफ द अंडरलाइन वर्ड्स। हमें दोबारा इन सेंटेंस को लिखना है। ये जो अंडरलाइन क्या हुआ वर्ड, इसके अपोजिट वर्ड को लिखकर। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले है आई कैन रन रियली फास्ट। मैं वास्तव में तेज दौड़ सकता हूँ। तो आप इसका अपोजिट वर्ड लिखिए। स्लो होगा इसका अपोजिट वर्ड। आप देख लीजिए फास्ट का क्या है, स्लो। तो आप लिखिए आई कैन रन, आई कैन रन रियली स्लो। ओके, आई कैन रन रियली स्लो। उसके बाद है द कवर्ड इन माई रूम इज फुल। तो आप लिखेंगे द कवर्ड इन माई रूम इज एम्प्टी, क्योंकि फुल का अपोजिट क्या होता है, इन एम्प्टी होता है। तो आप लिखेंगे द कवर्ड इन माई रूम इज एम्प्टी। ओके, या खाली है। तो इस तरह से हमने इसके अपोजिट वर्ड से इसको पूरा कर लिया। अब नेक्स्ट टॉपिक है एज वी आर टॉकिंग अबाउट द रेनबो। जैसे हम रेनबो के बारे में टॉकिंग करते हैं,
Let's check out this rainy day scene and write a few sentences based on the hints provided in the क्लाउड कह रहा है कि अब ये जो क्लाउड में जो कुछ हिंट्स दिए गए हैं इनके आधार पर हम कुछ बातों को रेनी डे इस सीन को देखते हुए लिखेंगे। तो आप सबसे पहले इस सीन को देख लीजिए, यहाँ बारिश हो रही है और एक व्यक्ति छाता लिए हुए जा रहा है। तो सबसे पहले क्या है, अम्ब्रेला। तो अम्ब्रेला के बारे में लिखते हैं, वी टेक अम्ब्रेला इन रेन। हम वर्षा में अम्ब्रेला लेते हैं। तो ये फर्स्ट हो गया। अब सेकंड है पडल्स। इन रेन पडल्स लुक एवरीवेयर मतलब बारिश में पडल्स हर जगह दिखते हैं। पडल्स मतलब कीचड़ होता है बच्चों। अब नेक्स्ट है क्लाउड्स। तो क्लाउड्स आर फुल ऑफ वाटर, आप लिख सकते हैं थर्ड, क्लाउड्स आर आर फुल ऑफ वाटर। ओके, क्लाउड्स आर फुल ऑफ वाटर। एंड नेक्स्ट है रेन। नेक्स्ट है रेन। तो आप लिख सकते हैं रेन इज ब्यूटीफुल, वर्षा सुंदर है। चाहे वर्षा देखने में सुंदर होती है तो आप रेन के बारे में लिखिए। ये चौथा सेंटेंस है, रेन इज ब्यूटीफुल, टू सी। ओके, बारिश देखने में सुंदर होती है तो हमने लिख लिया। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है, अभिभावकों के लिए सुझाव है कि बच्चों से बातचीत करते हुए उन्हें बताएं कि हमारे जीवन में छोटी छोटी चीज़ें भी खुशियां दे सकती हैं, जैसे कि रेन, रेनी डे, ट्रीज, फ्लावर्स, ये सब भी हमें खुशियां देती हैं। तो हमें इन सबों को अवॉइड नहीं करना चाहिए और सबसे प्यार करना चाहिए। तो बच्चों, ये थी हमारी आज की वर्कशीट और हम मिलते हैं नेक्स्ट वर्कशीट में। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के बीच शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।